हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, भारतीय मोदी जी योगी जी के मौलाना फैन ने अवेसी और अवेसी को फॉलो करने वाले मुसलमानों की बजा डाली। अच्छा, और कर दिया उनको नंगा। भाई साहब मुझे नहीं पता भाई साहब ये क्या हुआ है, लेकिन भाई साहब मोदी जी और योगी जी का फैन मौलाना आ गया मैदान में। अच्छा, तो वॉच करते हैं भाई साहब आजकल भाई योगी जी और मोदी जी के बारे में अवेसी बड़ा जहर घोल रहा है मुसलमानों में। ये काफी खबरें हमें मिल रही हैं कि भाई साहब वो बड़ा आजकल जहर घोल रहा ये है। बात तो है वही ना। तो भाई वॉच करते हैं आखिर किस तरह से मैदान में आया ये भाई साहब मौलाना वो योगी जी और मोदी जी का साथी। वही ना, तो वॉच करते कड़ान करते स्टार्ट। भाई मुजफ्फरनगर में 10 ढाबे पकड़े गए हैं ऐसे जो वैष्णो भोजनालय के नाम से चल रहे थे, जो है शुद्ध शाकाहारी बना करके चल रहे थे और वो सब मुसलमान चला रहे थे। जब मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होता नहीं है तो वो चलाएगा क्यों? किस लिए चलाएगा? पति होनी चाहिए कि हम नाम बदल करके फ्रॉड क्यों कर रहे हैं सनातन धर्म के साथ? अगर हमें वाकई शुद्ध शाकाहारी खाना बेचना भी है तो हम विनोद बन करके क्यों बेचे? हम मुफ्ती वजाहत बन करके क्यों नहीं बेच सकते? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में मानिए भूचाल आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ मार्ग पर जो भी दुकानें खाने पीने की पड़ेंगी उस पर उस दुकानदार की नेम प्लेट होगी, उसकी पहचान होगी कि आखिर वो दुकानदार किस समुदाय से है और उसका नाम क्या है। लेकिन इस पर सियासी भूचाल इतना हो चुका है कि पूरी तरीके से विपक्ष अब राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ मुफ्ती साहब हैं, वजाहत गुजर साहब हैं, सीधी बातचीत करेंगे। मुफ्ती साहब, नाम छुपाकर काम नहीं चलेगा, लेकिन इस पर इतना बवाल क्यों? अच्छा ये बताइए कि सरकार के आदेश में ऐसा कब लिखा है कि एक ही समुदाय अपने दुकानों के सामने नाम लिखेगा? को बोला है? उस मार्ग पर जिस भी समुदाय की दुकान है, वो कोई भी रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, जैन रहे, बुद्धिस्ट रहे, मुसलमान रहे, हिंदू रहे, या ऐसा कहाँ है कि उस पर सिर्फ मुसलमानों ही की दुकानें हैं? एक आदेश है वो सबके लिए है। और फिर मेरा एक सवाल पर सवाल ये है कि आइडेंटिटी छुपाने का मतलब क्या है? आप ऐसा क्या गलत कर रहे हो जो आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो? सरकार का आदेश है, आइडेंटिटी सामने आनी चाहिए। ठीक है भाई, नाम लिख लो। आपने साहब ये कहा कि एक ही समुदाय के लिए स्पेशल ये नहीं है कि एक ही समुदाय को अपना नाम लिखना है, लेकिन इस पे इतना भूचाल क्यों है? क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पड़ गए हैं? नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं कह रहा है जी। आप मुसलमान जाइए, जाके जनता से पूछिए, वो ऐसा नहीं कह रही है। ऐसा ओवैसी कह रहे हैं चूंकि वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसा अखिलेश कह रहे हैं चूंकि वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसा मदनी साहब कह रहे हैं चूंकि वो राजनीति कर रहे हैं। मैंने तो ये देखा कि जैसे ही शासन प्रशासन ने आदेश किया, चाहे वो मुजफ्फरनगर था या हरिद्वार था या जहाँ भी जैसे भी था, वहाँ लोगों ने नाम लिख लिए है सबने, ज़्यादातर लोगों ने लिख लिया, आपत्ति नहीं जताई। लोकल लीडरशिप बिल्कुल खामोश है और लोगों ने, भाई देखो मैं अगर फ्रूट बेच रहा हूँ तो बेच रहा हूँ, बस इसमें कौन सी बात है? अगर विनोद को ज़रूरत है तो वो फल खरीद सकता है, और ज़रूरत नहीं है तो वो आगे जा सकता है। अगर मैं खाना बेच रहा हूँ और इनको भूख लगी है तो वो खाना यहाँ खा सकते हैं, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि इसको राजनीतिक शक्ल दी जा रही है, और इसमें मैं कुछ चीज़ें, मुझे आपत्ति भी है कुछ चीज़ों पर। जैसा कि मुजफ्फरनगर में वैष्णो भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजन बेचने वाला कौन है? वो मोहम्मद असलम है। बेचने वाला कौन है? वो मोहम्मद इरफान है, जिसको वैष्णवी कायदे कानून नहीं पता, जिसको सात्विक भोजन के बारे में पता ही नहीं। भाई कावड़ एक इबादत है ना, कावड़ यात्रा एक इबादत है, तब आप उस पर जा रहे हैं तो उसके एक डिसिप्लिन है, कानून है, मजहबी अपने मामलात हैं, आप क्या खाएंगे, कैसे नहाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे कावड़ को उठाना है, उसके अपने नियम है। तो सिर्फ ये कावड़ के लिए आदेश आया है ताकि उनको भोजन, कोई शक शुबे वाला भोजन ना मिल सके। उनका कावड़ यात्रा एक इबादत है, वो इबादत उनकी ख़राब ना हो, इसलिए इस तरह का आदेश है। और ये तो इसको राजनीतिक शक्ल देकर हिंदू मुस्लिम बनाने वाला विपक्ष का, चूंकि हर बार वो करता है तो इस बार भी वो कर रहा है। बहरहाल आम जनता को इससे कोई तकलीफ मुझे नहीं लग रही है, और आइडेंटिटी छुपाना ये मेरे ख्याल ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरी दाढ़ी टोपी से दिखना चाहिए ना मैं मुसलमान हूँ।
आपने कहा कि आइडेंटिटी छुपाना बिल्कुल ये गलत है, आइडेंटिटी बतानी चाहिए, बिल्कुल बतानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हिजाब पर बात आती है, जब स्कूल में ड्रेस कोड की जगह कुछ लोग, कुछ बच्चे हिजाब पहन कर जाते हैं और उस पर भी आपत्ति जताई जाती है, तो कहते हैं कि यह धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए कि हमें हमारे धर्म के हिसाब से हम अपने कपड़े पहन के गए हैं, उस पर आपत्ति क्यों? लेकिन जब नाम की बात होती है तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक उत्पाद इसको नाम दे दिया जाता है कि भाई नाम बताएंगे इस पर धार्मिक उत्पाद होगा। हिजाब पर आप नहीं बोलते हैं लेकिन अगर नाम बताना है तो उसमें धार्मिक उत्पाद आता है। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि ड्रेस कोड है किसी स्कूल का। जब मैं किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहा हूँ, अपने बच्चे को ले जा रहा हूँ, तो वो अपना ड्रेस कोड मुझे पहले से बता देता है कि मेरा इस कलर का है, इतने रंगों का है, इतने दिन पहन के आना है, ये ड्रेस में शामिल है। आप अगर उसको वहाँ टिक लगा करके यस में आते हैं और अपने बच्चों को वो ड्रेस दिलाते हैं और फिर ऊपर से हिजाब के लिए लड़ते हैं, तो ये आपकी मानसिकता ख़राब है, ये बता रहे हो आप खुद से। सेम मसला यहाँ आया है, जैसे हिजाब की लड़ाई इन्होंने फजूल में लड़ी थी, ज़बरदस्ती की लड़ाई थी, वो स्कूलों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, शिक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं था, और ये दुनिया जानती है कि हर स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, वो उसको फॉलो करता है। अब ये मजहब की जो बात आ रही है, सिर्फ नाम लिखने का आदेश है, ऐसा पूरी पूरे कावड़ यात्रा पर सिर्फ मुसलमान ही बैठेंगे, ये सिर्फ हिंदू ही बैठेंगे, ये सिर्फ जैन ही दुकान खोलेगा, ये सिर्फ क्रिश्चियन ही बैठेगा, ऐसा किसी आदेश में मैंने तो नहीं पढ़ा। हो सकता है इन लोगों को मिल गया हो। सिर्फ नाम लिखने का है कि आप अपनी आइडेंटिटी बता दीजिएगा कि ये भाई मुजफ्फरनगर में 10 ढाबे पकड़े गए हैं ऐसे जो वैष्णो भोजनालय के नाम से चल रहे थे, जो है शुद्ध शाकाहारी बना करके चल रहे थे और वो सब मुसलमान चला रहे थे। जब मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होता नहीं है तो वो चलाएगा क्यों, किस लिए चलाएगा? सही बोला भाई साहब। भाई हम लोग तो सीधी सी बात है, मुसलमान नॉन वेज खाता है और तुम फिर किस तरह से वेज बेच सकते? बिल्कुल, जब तुम्हें पता ही नहीं और 10 ढाबे पकड़े। देख ना वो यार कितना गलत तरीका, भाई उनको पता ही नहीं है तो सही का एक चीज पता ही ना हो, सही का एक चीज पता ही ना हो, क्योंकि उनकी यात्रा निकल रही है, क्यों वो इबादत में जा रहे हैं, उन्हें कौन सी चीज खानी और कौन सी नहीं खानी। सही का। और भाई साहब देखो ना, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये काम करते हैं। मतलब कि भाई साहब तुम लोगों को, तुम लोग नॉन वेज खाने वाले, तुम लोग वेज कैसे बना के बेच रहे हो यार? तुम लोग उनकी यात्रा जाते, उनका इतना इम्पोर्टेंट है, उनके मजहब से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज है, तो भाई नाम लिखो ना भाई साहब। इधर भाई लोगों ने लिख भी दिया और भाई साहब वहां पर अवेजी कर रहा मुसलमानों पे जुलाम, और भाई इसके पिछवाड़े पे दो लाते मार के इसका पाकिस्तान भेजो। वो खाली हो योगी जी जी ने ये चीज तो नहीं बोली है, मुसलमानों जो आपने लगाए वो लगाए भाई तो, लेकिन वो नहीं लगा रहे, लेकिन वो क्यों लगाए? यही तो बात वो लोग कर रहे हैं कि भाई साहब तख्ती वो नाम की, भाई साहब उसी पे तो भाई साहब अवेसी पागल हुआ है कि क्यों लगाए भाई साहब? तो लगाओ ना वहां पर, वो देखो ना वहां पर क्या बोल रहे, 10 ढाबे पकड़े गए थे जो भाई साहब नॉन वेज, भाई तुम लोग विष्णु देवी के नाम से, वो आई थिंक इसी तरह था उनका धार्मिक स्थान है, वहां पर भाई साहब तुम लोग भाई साहब नॉन वेज होकर तुम वेजिटेरियन बना के दे रहे हो उनके वो लोगों को। ये देखना ये तो गलत चीज है ना, फिर पकड़ना ही है इनको। सही कहा। और फिर जब पकड़े गए तो भाई वे बवाल तुम लोग कर रहे हो भाई, काम सीधे करो ना, हर गंदा काम तुम लोग कर रहे होते हो। बोला अगर बाहर की और सड़कों पे पता होता है, चलो भाई साहब और इंडिया में कहीं भी रोक टोक नहीं है, तुम नॉन वेज हो तुम वेज बनाओ, जिस भारतीय को खाना होता है, जिस हिंदू को खाना होता है वो खाता है। बिल्कुल। लेकिन अब यार देखो, अब इबादत वाली जगह पे तुम लोग ऐसा काम करो, ये तो गलत है यार। अगर तुम मुसलमान हो, तुम लोग वेजिटेरियन हो, तो तुम वेज बनाओ, फिर तो तुम्हें कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर उनके लिए वेज बना के घर में जाके मुर्गे खाओ, तो ये तो गलत है ना फिर, ये तो फिर बात गलत है ना। इस तरह हम भी यहाँ पर भाई साहब नहीं कर लगे हुए होते कि भाई साहब नहीं 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 ये है वो है। गलत चीज ये है कि दूसरी चीज बना के उनको खिलाना, ये चीज गलत है। वही ना, खुद नॉन वेज उनको वेज बना के दे रहे, वो ये चीज गलत है ना। तो ये तो गलत है। चीज खानी है वो बनाओ और वो भेजो। सही का, सही का। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही बड़ा तुम करते हो।